गाइस देखिए आज हम लोग ये बना रहे हैं हमारे घर में पानी वो दही फुल्की। तो ये रेडीमेड में फुल्कियाँ लाई हूँ, इनको अच्छे से फ्राई कर रहे हैं हम लोग। और ये देखिए बहुत अच्छे से फ्राई हो रही हैं, बस इनको डाल के छोड़ दें, वो खुद ब खुद फूल जाती हैं। देखिए प्यारी सी अच्छी से फ्राई होकर फूल गई हैं। और ये देखिए बाहर पानी गिर रहा है, आज बारिश भी हो गई काफ़ी अच्छे से बारिश। तो ये देखिए इसलिए हमारा दिल चाहा कि आज हम दही फुल्की बनाएं घर में ही। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं आगे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ तलने के बाद तो फुल्कियों के अंदर हमने आलू और चने की स्टफिंग भरी थी इस तरह से उंगली से तोड़कर। इसमें आलू चने की स्टफिंग भरने के बाद ये इसके बाद बहुत अच्छा लग रहा था, तल गई थी तो हम लोग ने अच्छे से इसमें भर लिया था, सारी जमा ली थी भर के, फिर इसके अंदर हम लोग ने डालना था। हम लोग ने सारी फिर फुल्कियों को प्लेट में जमा लिया था, सेट कर लिया था। उसके बाद आलू और छोलों की स्टफिंग भरने के बाद चनों के बाद हमने इसमें डाला खट्टा मीठा मज़े का दही, जो दही फुल्की में सबसे बेस्ट होता है और मेन होता है, तो वो हम लोग ने अच्छे से भर। तो गाइस हम लोग ने उसके बाद दही भरने के बाद बहुत मज़े की खट्टी मीठी जो इमली की चटनी होती है हम लोग ने वो डाली। और उसके बाद हम लोग ने डाले सेव खारे इन फुल्कियों में। तो आज हम लोग का मन था दही फुल्की खाने का, बाहर तो हम खाते ही, हमने कहा आज घर में भी बनाएं। तो आई होप आप लोग को ये रेसिपीज़ पसंद आई होगी, तो प्लीज़ आप लोग भी बनाइए, खाइए, इन्जॉय करिए और मज़े करिए। और हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपीज़ कैसी पसंद आई, कैसी लगी, और कमेंट ज़रूर करिए। हम लोग ने होममेड पानी दही फुल्की बनाई थी तो कैसी लगी, तो आप भी बनाइए। इंशाल्लाह मैं दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।